अलैकुम क्लास, आई एम डॉक्टर राबिया और हम लोग जो है वो इस टाइम एनाटॉमी लोअर लिम्ब पढ़ेंगे। बेसिकली हमने लोअर लिम्ब का जो है वो हिप जो बोन है उसको शुरू किया हुआ था, उसके हमने बोनी लैंडमार्क्स वगैरह पढ़ लिए थे और कल जो है वो हमने उसकी अटैचमेंट्स पढ़ी थी ऑन द इलियम। आज जो है वो हम प्रोसीड करेंगे टू द नेक्स्ट बोन, दैट इज़ द ईस्टियम। तो अगर हम ईस्टियम को जो है वो उसकी फटाफट जो है वो बोनी लैंडमार्क या बॉर्डर्स और सर्फेसिस वगैरह देख लेंगे, एक ओवरव्यू ले लें। तो हमने ईस्टियम को जो है वो थिक पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन जो है वो कहा था, और ये जो है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर 2/5 ऑफ द एसिटेबुलम बनाती है। इसके हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या होती है, एक बॉडी होती है और एक रेमस होता है, ठीक है। बॉडी का हमने क्या कहा था कि हमारे पास दो एंड्स होंगे और तीन बॉर्डर्स और तीन सरफेसेस होंगी, अपर एंड था, लोअर एंड था। और बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कौन कौन सा बॉर्डर था, इंटीरियर बॉर्डर था और हमारे पास लेटरल बॉर्डर था और पोस्टीरियर बॉर्डर था। आई होप कि मैं ये जो नाम ले रही होंगी तो आपको सारा वो इमेज जो है वो बन रहा होगा कि मैम जो है वो कौन सी चीज़ की बात कर रही हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थी सरफेसेस जो कि तीन थी, हमारे पास फेमोरल सरफेस थी, डोर्सल सरफेस थी और पेल्विक सरफेस थी। ईस्टियल स्पाइन थी, ईस्टियल ट्यूबरोसिटी थी और हमारे पास रेमस था जो कि रेमस ऑफ द प्यूबिस के साथ फ्यूज हो रहा था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ईस्टियम। अब हम मूव करते हैं टू द मसल अटैचमेंट्स ऑन द ईस्टियम, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम सबसे मतलब सिंपलेस्ट वे से शुरू हो तो हम चलते हैं कि हम अपनी ईस्टियल स्पाइन से जो है ना वो शुरू करते हैं, जो कि हमारी ये बिटवीन द शियाटिक नोच है, ग्रेटर और लेसर दोनों की शियाटिक नोच के बीच में जो हमारे पास है दैट इज़ द ईस्टियल स्पाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हम ईस्टियल स्पाइन को पढ़ें कि हमारे पास ईस्टियल स्पाइन से कौन कौन सी जो है वो अटैचमेंट्स वगैरह आ रही हैं। अगर हम सिर्फ टिप ऑफ द स्पाइन की बात करें तो टिप ऑफ द स्पाइन से जो हमारी चीज़ निकल रही है वो कौन सी है, बेसिकली हमारे पास एक लिगामेंट है जो कि आपकी टिप ऑफ द स्पाइन पे अटैच हुआ हुआ है और वो उस लिगामेंट का नाम है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये हमने कल की लेक्चर में भी सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट देखा था, ठीक हो गया, जो कि बिटवीन द सैक्रम होगा और आपके स्पाइनस प्रोसेस से निकल मतलब आपके लंबर रीजन से जो है वो निकल रहा होगा। अभी तक हमने हम क्या पढ़ रहे हैं, अटैचमेंट्स ऑन द ईस्टियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईस्टियल जो स्पाइन है उस पर पढ़ रहे हैं। ईस्टियल स्पाइन की हमने टिप पर बात की कि हमारे पास कौन सा लिगामेंट है जो अटैच हुआ हुआ है, दैट इज़ द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। और अगर हम इसके जो है वो आपकी पेल्विक सरफेस की बात करें यानी बिहाइंड की बात करें, यहाँ की बात करें, तो हमारे पास जो एक मसल है वो निकल रहा है लेवेटर एनाई के पोस्टीरियर फाइबर्स जो है वो आपकी ये पेल्विक सरफेस ऑफ द ईस्टियल स्पाइन से जो है वो ओरिजिनेट कर रहे हैं। कौन सा, लेवेटर एनाई, जो कि हमारे पास वन ऑफ द प्यूबिक मसल है। इसके अंदर फर्दर थ्री मसल्स आते हैं, वो हम अभी आगे थोड़ी देर बाद देख लेंगे कि किस तरह से जो है वो पेल्विक फ्लोर बना हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डोर्सल सरफेस की। इस वाली डायग्राम पे अब आप आ जाएंगे, ये हमारी क्या है उसकी डोर्सल सरफेस, ये क्या थी पेल्विक सरफेस ऑफ द ईस्टियल स्पाइन। टिप से हमारे पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट निकला था, पोस्टीरियर सरफेस से हमारे पास लेवेटर एनाई मसल ओरिजिनेट निकला हुआ था, और अब हम बात कर रहे हैं तो डोर्सल सरफेस ऑफ द ईस्टियल स्पाइन, जहाँ से हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास थ्रू कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रेटर शियाटिक नोच टू द डोर्सल सरफेस ऑफ द ईस्टियल स्पाइन। और वो जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं उसकी अरेंजमेंट जो है वो क्या है, फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड। वो कौन कौन से हैं, द पुडेंडल नर्व ऑप्टर ये पुडेंडल वेसल्स एंड द नर्व टू द ऑप्टोरेटर इंटरनस। ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं, मैं अगर यहाँ पे तीन लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दूँ, एक को मैंने उसी पुराने कलर से किया है, दूसरे को मैंने ब्लू से कर दिया है और तीसरे को हम पर्पल से कर देते हैं, ठीक है। तो पहली जो थी वो हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी ये पुडेंडल नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थी इंटरनल पुडेंडल वेसल्स, और फिर जो थी जो मीडियल मोस्ट थी दैट इज द नर्व टू द ऑब्टुरेटर इंटरनस, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से जो हमारे पास दोनों पुडेंडल हैं यानी पुडेंडल नर्व पुडेंडल वेसल्स, ये आपकी यहाँ से पास थ्रू करके
आपकी वापस पीछे की तरफ चले जाएंगी और एंटर हो जाएंगी इनटू द पुडेंडल कैनाल, जबकि आपकी जो नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस है वो वापस पीछे जाके सप्लाई करेगी टू द ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल को। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस रीजन से आए थे, यहाँ से होके वो डोर्सल सरफेस ऑफ द ईस्टर स्पाइन पे आए और उसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ गए और पीछे की तरफ आके अब इस डायग्राम पे आ गए हम, पीछे की तरफ आके उन वो चले गए पुडेंडल कैनाल के अंदर। ठीक है, और जबकि हमारे पास नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस जो थी वो यहाँ से आके किधर चली गई, इसको अपने मसल को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये थी हमारी ईस्टियल स्पाइन, तीन चीज़ें थी हमने पढ़ी। एक हमारे पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट था, उसके बाद हमारे पास ये लेवेटर एनाई मसल था, और हमारे पास तीन जो स्ट्रक्चर्स थे वो पास थ्रू कर रहे थे। अगली जो है वो हम पढ़ेंगे जो है लेसर शियाटिक नोच। हमारे पास जो लेसर शियाटिक नोच है वो हमारे पास स्पाइन और ट्यूबरियोसिटी के बीच में जो नोच होगी वो होगी लेसर शियाटिक नोच। इस शियाटिक नोच के सुपीरियर मार्जिन से निकलने वाला मसल जो होगा वो हमारे पास सुपीरियर गैमिलाई मसल होगा, और इन्फीरियर मार्जिन से जो निकलेगा वो इन्फीरियर गैमिलाई मसल होगा, और इन दोनों मसल्स के बीच में से हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल का जो है वो टेंडन पास थ्रू करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अलावा हमारे पास ये नर्व टू द सॉरी नर्व कहें ये आपका टेंडन ऑफ द ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है उसके नीचे हमारे पास डीप जो है मतलब बरसा होगा, आपके टेंडन के नीचे बरसा पड़ा हुआ होगा, और नोच जो है इज लाइंड विद द हायलिन कार्टिलेज, और हमारे पास गैमिलाए जो सुपीरियर गैमिलाए और इन्फीरियर गैमिलाए मसल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, फ्रॉम द अपर एंड द लोअर रिस्पेक्टिवली। और गैमिलाए जो है वो हमारे पास जेमिनाए से निकला है विच मीन्स द ट्विन। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेसर शियाटिक नोच हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो आती है फेमरल सरफेस। फेमरल सरफेस जो थी वो हमारे पास लेटरल बॉर्डर से और इंटीरियर बॉर्डर के बीच से निकलती थी। अगर ये इंटीरियर बॉर्डर है हमारे पास ईस्टियल स्पाइन का और ये लेटरल बॉर्डर है, तो हमारे पास ये जो सरफेस बनेगी ये कौन सी होगी, ये आपकी फेमरल सरफेस। ठीक हो गया, और ये किसको सप्लाई, कौन कौन सा मसल जो है वो ओरिजिनेट करेंगे, इसके जो मार्जिन से मसल निकलेगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल मसल। ठीक हो गया, जो कि ये फोरमेन के मेम्ब्रेन के साथ साथ मार्जिन के साथ साथ ओरिजिनेट होगा, और अगर हम इसके ये लेटरल बॉर्डर जो है ऑफ अपर पार्ट ऑफ द ईस्टियल ट्यूबरियोसिटी, ईस्टियल ट्यूबरियोसिटी के लेटरल पार्ट के अपर पोर्शन पर देखेंगे तो हमारे पास जो मसल निकलेगा दैट विल बी द क्वाड्रेटस फेमोरस। ये देखें, अगर आप यहाँ वाले पोर्शन की बात करेंगे जो कि इस टाइम हाईलाइट किया जा रहा है पर्पल के साथ, और उसको मैं बीच में हाईलाइट कर देती हूँ लाइम कलर के साथ, तो ये जो होगा ये तकरीबन क्या है, क्वाड्रेटस फेमोरस, जबकि ये जो है ये कौन सा होगा, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। ये हमारा कौन सी सरफेस है, फेमरल सरफेस ऑफ द ईस्टियम। ठीक होगी, अब हम बात करते हैं डोर्सल सरफेस की। तो हमारे पास डोर्सल सरफेस जो है वो किसको जो है वो, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डोर्सल सरफेस की। तो हमारे पास जो डोर्सल सरफेस ऑफ द ईस्टियम है उसके पास कौन सी आती है, अपर एरिया जो होगा वो रिलेट करेगा टू द पीरीफॉर्मस मसल, शियाटिक नर्व एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो है वो एसएच नहीं दिखाया गया, वो आपको दूसरी जो इमेज है उसमें दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास आती है ईस्टियल ट्यूबरियोसिटी। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ईस्टियल ट्यूबरियोसिटी में हम एक ट्रांसवर्स रिज आती है जिससे हम उसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर पार्ट को हम एक ओब्लिक रिज के थ्रू सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर लेटरल और इन्फीरियर मीडियल एरिया जो है उसमें डिवाइड करेंगे। जो सुपीरियर लेटरल है उससे जो मसल की ओरिजिनेशन हो रही है जो कि इस टाइम रेड से हाईलाइट किया जा रहा है वो होगा सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल। हमारे पास ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द ईस्टियल ट्यूबरियोसिटी। ठीक है, जबकि हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर से जो मसल की ये ओरिजिनेशन होगी वो हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसस होगा और लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप होगा। ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनोसस और लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। उसके बाद हमारे पास आता है ये ट्रांसवर्स रिज के बाद नीचे जो वर्टिकल रिज आएगी वो वर्टिकल रिज जो होगी आपकी
ट्यूब्रियोसिटी को आउटर और इनर लोअर एरिया में जो है वो डिवाइड कर देगी। आउटर एरिया से जो मसल निकलेगा दैट विल बी द, अच्छा जी, आउटर एरिया पे जो हमारे पास मसल की अटैचमेंट होगी वो हमारे पास हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस है। दिस इज द एडक्टर मैग्नस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आउटर रिज, ये हमारे पास ये वर्टिकल थी, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल थी या वर्टिकल थी, इसके वर्टिकल रिज के थ्रू हमारे पास ये जो ट्यूब्रियोसिटी थी आउटर और इनर में डिवाइड हुई। आउटर से हमारे पास क्या निकल रहा है, एडक्टर मैग्नस, जबकि इनर जो होगी उस पे हमारे पास एक फाइब्रोफैटी टिश्यू होगा, जिससे जिसकी मदद से क्या होगा, सपोज करें ये वाली साइड होगी फाइब्रो, इसके ऊपर जो है वो फैटी टिश्यू लगा हुआ होगा, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द बोन। जब हम बैठते हैं तो जो वेट होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द बॉडी टू द सिटिंग पोजिशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है शार्प मीडियल मार्जिन ऑफ द ईस्टियल ट्यूब्रियोसिटी। ये ईस्टियल ट्यूब्रियोसिटी के पीछे जो हमारे पास मार्जिन आएगा ये इनर साइड ऑफ द मार्जिन, जिसको इस टाइम मैं इस कलर से हाईलाइट करने जा रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, मीडियल मार्जिन ऑफ द ईस्टियल ट्यूब्रियोसिटी। ये हमारे पास क्या जो है वो प्रोवाइड करेगा, शार्प मीडियल मार्जिन ऑफ द ट्यूब्रियोसिटी गिव्स द अटैचमेंट टू सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ये आपको कौन से, ये है जस्ट बिलो द ये पुडेंडल कैनाल, ऑलमोस्ट पुडेंडल कैनाल जो होगी वो इधर है और इसके नीचे हमारे पास ये मार्जिन ऑफ द ट्यूब्रियोसिटी है जिसके ऊपर सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट जो है वो आके अटैच हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है पेल्विक सरफेस। ये पेल्विक सरफेस है, ये पेल्विक सरफेस जो है वो हमारे पास इसका मेजर पोर्शन जो है वो किस मसल को सप्लाई दे रहा है, टू द ऑब्टूरेटर इंटरनस। ये आपको सारा मसल जो है वो नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेजर पोर्शन जो है वो किसको सप्लाई कर रही है, कौन सा मसल ओरिजिनेट हो रहा है, ऑब्टूरेटर इंटरनस, लेकिन इसके लोअर पार्ट से हमारे पास इस्टियो एनल फोसा जो है वो मतलब लेटरल वॉल जो है वो बनाएगा। इसका जो लोअर पार्ट होगी, लोअर पार्ट होगा इसका ये पेल्विक सरफेस का, वो हमारे पास क्या बनाएगा, इलियो एनल फोसा बनाएगा, इस्टियो एनल फोसा बनाएगा, इस्टियो एनल फोसा की लेटरल वॉल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर बॉर्डर की। इंटीरियर बॉर्डर हमारे पास ये फोरामेन बनाने वाला है, ये हमारे पास क्या पार्ट ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये टेक पार्ट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करेगा साइट ऑफ अटैचमेंट टू द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। हमारे पास कहीं पे लगी थी ना ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन, तो ये हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर जो होगा ये क्या सप्लाई क्या अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी टू द ये ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। उसके बाद ये तकरीबन हो गई हमारी सारी ईस्टियम। दोबारा से रिवाइज करने लगी हूँ, फिर हम अपनी पीपीटी से भी पढ़ लेंगे। ये हमारा था लेटरल व्यू, हमने ईस्टियल स्पाइन से जो है वो शुरू किया था। हमने क्या कहा था कि हमारे पास टिप ऑफ ईस्टियल स्पाइन जो है वो किसको अटैचमेंट, कौन से लिगामेंट को, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी, जबकि इस ईस्टियल स्पाइन की जो पेल्विक सरफेस है वो किस मसल को सप्लाई कर रही है, टू द लेवेटर इनाई जो कि पेल्विक डायफ्राम का मसल है। उसके बाद हमारे पास थी डोर्सल सरफेस, जिसमें से हमने तीन स्ट्रक्चर्स जो है वो निकलते देखे थे और उन तीन स्ट्रक्चर्स का जो निमोनिक्स है वो पिन है, यानी पुडेंडल नर्व, आपकी पुडेंडल वेसल्स और नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। इसकी भी मैंने सारी कहानी बता दी थी कि ये हमारे पास ग्रेटर शेरेटिक नोड से आएगा, उसके बाद डोर्सल सरफेस पे आएगा और फिर टर्न होके आपकी पोस्टीरियर आपकी पेल्विक सरफेस पे चला जाएगा। आपकी नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस जो होगी वो ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल को सप्लाई कर दी जाएगी, बाकी दोनों स्ट्रक्चर जो होंगे वो पुडेंडल कैनाल के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता था जो लेसर शेटिक नोड्स, लेसर शेटिक नोड्स के सुपीरियर और इंफीरियर से हमारे पास निकल रहे थे सुपीरियर गैमिलस और इंफीरियर गैमिलस मसल्स, और उन दोनों के बीच से जो ये था टेंडन पास कर रहा था, दैट टेंडन इज द ऑब्टूरेटर इंटरनस, और हमारे पास इस टेंडन के नीचे हमारे पास एक बरसा था और जो नोच है वो लाइंड बाय द हायलिन कार्टिलेज। उसके बाद हमने बात की थी
कि हम सरफेसेस की बात की थी हमने, एंटीरियर सरफेस की जब बात की थी तो हमारे पास ये सॉरी एंटीरियर करें फिमोरल सरफेस की जब हमने बात की थी तो हमारे पास इसके ये ऑब्टूरेटर फोरामेन के मार्जिन से ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल एक्सटर्नल मसल की ओरिजिनेशन हुई थी, जबकि हमारे पास लेटरल बॉर्डर वाली साइड पे हमारे पास क्वाड्रेटस फेमोरस मसल जो है उसका ओरिजिनेशन हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद हमने डोर्सल सरफेस पढ़ी थी कि हमारे पास अटैचमेंट ऑन द इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी क्या सॉरी डोर्सल सरफेस से हमारे पास क्या क्या निकल रहा था, ये पीरिफॉर्मस मसल और शियाटिक नर्व और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। नेक्स्ट हमने बात की थी इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी की, इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी के जो सुपीरियर लेटरल पार्ट था उसमें से हमारे पास मसल जो था वो सेमी मेम्ब्रेनसिस निकल रहा था और इंफीरियर सॉरी हाँ जी इंफीरियर मीडियल जो था उससे हमारे पास क्या निकल रही थी, कौन से दो मसल थे, सेमी टेंडिनोसस और हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमरस, जबकि हमारे पास ये आउटर रीजन से कौन सा मसल निकल रहा था, हमारे पास निकल रहा था इशियल हेड ऑफ एडेक्टर मैग्नस, जबकि इनर लोअर एरिया से जो है वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास वेट जो था वो ट्रांसफर हो रहा था, यानी यहाँ पे हमारे पास फाइब्रोफैटी टिश्यू था जो कि वेट ट्रांसफर कर रहा था जब सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए थे, और जो हमारे पास शार्प मीडियल मार्जिन था ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है लेटरल बॉर्डर ऑफ द इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू इस्ट्रियो फेमोरल लिगामेंट जस्ट बिलो द एसी टिबुलम, एसी टिबुलम के बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास लेटरल बॉर्डर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अटैचमेंट टू द ये इलियो फेमोरल लिगामेंट, ये वाली जो पोर्शन होगी। इलियो फेमोरल लिगामेंट ठीक है, एसी टिबुलम के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास लेटरल बॉर्डर वाली साइड पे। उसके बाद हमारे पास आती है पेल्विक सरफेस, हमारे पास पेल्विक सरफेस का हमने कहा था कि हमारे पास पेल्विक सरफेस का जो मेजर पोर्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है ओरिजिन साइट टू द ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, और जो बाकी का बचे पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन जो होगी पेल्विक सरफेस की वो किसको जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है अटैचमेंट टू द वो मतलब क्या बना रही है लेटरल वॉल ऑफ द इस्ट्यू एनल कैनाल फोसा सॉरी। ओके जी, उसके बाद हमारे पास था इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर जो था वो हमारे पास क्योंकि ऑब्टूरेटर फोरामेन का बनाने में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था और इसके साथ हमारे पास ये क्या कर रहा था उसके मार्जिन से ही हमारे पास उसकी जो मार्जिन थी वो प्रोवाइड कर रहे थे अटैचमेंट टू द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन, और उसके मार्जिन के थोड़ा सा नीचे यानी बॉर्डर के थोड़ा सा पीछे जो है वो मसल कौन सा था, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल था जो ओरिजिनेट कर रहा था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने उसकी ये रेमस की, तो हमारे पास जो रेमस है ये दोनों रेमाए जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं ठीक है, और इस रेमाए को हमने क्या कहा था कि ये रेमाए जो है वो दो बॉर्डर जो दो सरफेसेस होती हैं इनर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या था, ये रमाए था दोनों कंजॉइंट रमाए थे जिसका हमारे पास क्या आया था आउटर बॉर्डर था इनर बॉर्डर था और सरफेसेस थी, दो बॉर्डर्स थे दो सरफेसेस थे। अपर बॉर्डर हमें उसी तरह से प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट टू द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन जैसे हमारे पास सारा बॉर्डर कर रहा था इन द लिविंग पर्सन, जबकि हमारे पास जो लोअर बॉर्डर था वो क्या करेगा प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट टू द फेशियल आटा एंड टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ठीक है, और द कूलिस फेशिया ऑफ द पेरिनियम। अच्छा जी, हम जो है वो डायग्राम चेंज कर लेते हैं ये ठीक है। अब ये क्या होगा कि हमारे पास ये जो सारा स्ट्रक्चर है इस टाइम पड़ा हुआ ये हमारा कंजॉइंट रेमाए है जिसमें हमारे पास दोनों के रेमस इस्चियम का भी रेमस और प्यूबिस का भी रेमस जो है वो मिक्स हुए हैं जुड़े हुए हैं ठीक है। अब इस रेमस के हमारे पास दो बॉर्डर्स थे दो सरफेसेस थी एक अपर बॉर्डर और एक लोअर बॉर्डर, फिलहाल हमने अपर बॉर्डर पर देखा कि अपर बॉर्डर क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है अटैचमेंट टू द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन
जबकि लोअर बॉर्डर जो है वो हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट टू द फेशियल आटा एंड टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया या फिर कूलिस फेशिया ऑफ द पेरिनियम। उसके बाद हमारे पास जो आउटर सरफेस से मसल्स जो है वो निकल रहेंगे वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस निकलेगा नियर द मार्जिन ऑफ बोथ ऑफ द रेमाई, फिर हमारे पास एडक्टर ब्रेविस निकलेगा टू द मार्जिन ऑफ द ये रेमस ऑफ द प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रेसिलस मसल आएगा जो कि फिर आएगा प्यूबिक रेमाई के पास, और फिर हमारे पास आएगा टू ये अटैचमेंट टू द ये एडक्टर मैग्नस ऑन द ईस्टियल रेमस। ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एडक्टर मैग्नस है इस टाइम, जहाँ पे आपका ये बड़ा हुआ पॉइंटर जो है वो इस टाइम मूव कर रहा है, ये एडक्टर मैग्नस है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्टूरेटर ये एक्सटर्नस था, फिर हमारे पास ये आया एडक्टर ब्रेविस और ग्रेसिलस मसल, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास आउटर सरफेस, अब हम इनर सरफेस की देख लेते हैं। इनर सरफेस जो है वो हमारे पास क्या क्या प्रोवाइड करेगी, इसी तरह से जो हमारे पास प्रोवाइड करेगी अटैचमेंट टू द सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, इसी तरह से जो लोअर रिज होगी अपर रिज ने क्या प्रोवाइड किया अटैचमेंट टू द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायाफ्राम, जो लोअर रिज होगी वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करेगी पेरिनियल मेम्ब्रेन अटैच करेगी लोअर रिज पे। हमने जो है वो इनर एरिया को जो है वो इनर सरफेस को बेसिकली हमने दो फेंट रिजिस के थ्रू तीन एरियाज में डिवाइड किया था, अपर मिडल और लोअर। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो वो उन दो रिजिस की बात कर रहा है कि हमारे पास रिजिस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अटैच होंगे, जो हमारे पास अपर रिज होगी वो क्या किसको अटैच करेगी सुपीरियर फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम को, जबकि जो इन्फीरियर रिज होगी वो किसको अटैच करेगी पेरिनियल मेम्ब्रेन को। अब जो अपर एरिया होगा वो किसको प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट टू द ऑब्टूरेटर इंटरनस, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द अपर एरिया, और हमारे पास जो मिडल एरिया है ये अपर एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द कंजॉइंट ईस्टियोप्यूबिक रेमाई, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मिडल एरिया, मिडल एरिया जो होगा वो गिव्स ओरिजिन टू द डीप ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल एंड स्फिंक्स्टर यूरेथ्रा एंड इज रिलेटेड टू द डोर्सल नर्व ऑफ द पेनिस एंड द इंटरनल पुडेंडल वेसल। इसी तरह से हम लोअर एरिया की बात करें तो लोअर एरिया से जो हमारे पास अटैचमेंट होगी वो कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर्स की होगी, क्रस पेनिस की, और हमारे पास इस्टियो कैवर्नस मसल की, और सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल की, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ये था हमारा हिप बोन पे डॉटेड लाइन के थ्रू जो है वो मसल्स की आपको पोजीशनिंग बताई हुई थी कि इस जगह पे ये मसल लगा होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोग जब लेक्चर लेते हो ना एनाटॉमी के, तो आप लोग अपनी एनाटॉमी की बुक साथ रखा करो, पहले लेक्चर मतलब सुना करो, वीडियो देखा करो ये वाली यूट्यूब वाली, और अगर इससे भी नहीं समझ आता तो यूट्यूब से वैसे ही सर्च कर लिया करो, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वीडियो देखी, फिर आप लोगों ने दोबारा पढ़ना है, और उसके बाद आपने अपने दिमाग में एक स्केच बनाना है जो कि आपके जो आप खुद बनाओगे ना वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक जो है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। ये था हमारा सारा स्ट्रक्चर्स जहाँ जहाँ से निकल रहे थे, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। एक बार हमने अटैचमेंट देखी कि ईस्टियल स्पाइन पे जो है टिप से सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट आ रहा था, पेल्विक सरफेस से लेवेटर नए मसल ओरिजिनेट कर रहे थे, और डोर्सल सरफेस से तीन जो स्ट्रक्चर्स थे वो पास कर रहे थे फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल, एंड दीज स्ट्रक्चर्स वर द पुडेंडल नर्व, पुडेंडल वेसल्स एंड नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस। दिस इज द लेवेटर नए मसल, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्दर थ्री मसल आते हैं, कोक्सी ये प्यूबोकोक्सीजियस मसल, इलियोकोक्सीजियस मसल, और हमारे पास एक और मसल होता है जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया, बल्बोस्पाइनियस मसल इधर जो दिखाया गया, ठीक है। ये तीन मसल हैं जो कि आपका बेसिकली क्या बना रहे हैं, डायाफ्राम ऑफ द पेल्विस बना रहे हैं। ये जब हम पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना तब हम इस इनके मसल्स को भी इंशाल्लाह अच्छे से देख लेंगे। ये वही तीन स्ट्रक्चर्स थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये ग्रेटर शियाटिक नोच है, ग्रेटर शियाटिक नोच से हमारे पास आएंगे डोर्सल सरफेस ऑफ द ईस्टियल स्पाइन, फिर वो वापस बैक ऑफ द आपकी यानी बिहाइंड द शियाटिक नोच चले जाएंगे या ईस्टियल स्पाइन चले जाएंगे,
और वहाँ से वो पुडेंड्रल कैनाल के अंदर चले जाएंगे और फिर जो है वो एक स्ट्रक्चर जो था ऑब्टूरेटर नर्व या नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस वो आपको कहाँ पे सप्लाई करेगी टू द ऑब्टूरेटर इंटरनस। उसके बाद हमारे पास है लेसर शैटिक नोच, उसका सुपीरियर बॉर्डर जो होगा वो सुपीरियर गैमिलस को करेगा और इन्फीरियर जो होगा वो इन्फीरियर गैमिलस को करेगा और उन दोनों के बीच में जो टेंडन गुजरेगा वो टेंडन होगा ऑब्टूरेटर इंटरनस का और उस टेंडन के नीचे हमारे पास बर्सा पड़ा हुआ है। फेमरल सरफेस से जो हमारे पास मसल आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल अलोंग द ऑब्टूरेटर मार्जिन और जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर वाली साइड पे होगा वो क्वाड्रेटस फेमोरस है। डोर्सल सरफेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास पिरिफॉर्मस मसल, शैटिक नर्व और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस, ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डोर्सल सर्फेस ऑफ द ईस्टियम रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी, ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी के जो सुपीरियर लेटरल है उससे सेमी मेम्ब्रोनस निकलता है और इन्फीरियर मीडियल से सेमी टेंडेनोसस और लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस हेड। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको बता रही थी कि ये हमारे पास कौन सा है, सुपीरियर गैमिलाई मसल, इंफीरियर गैमिलाई मसल और ये इंटरनल मसल, ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल, और ये हमारे पास क्या है, पिरिफॉर्मस मसल, ये हमारे पास क्वाड्रेटस मसल फेमोरस है। अच्छा जी, आउटर लोअर एरिया से हमारे पास क्या निकलता है, एडक्टर मैग्नस, और जबकि इनर लोअर एरिया जो है वो फाइब्रो टिश्यू, फाइब्रोफैटी टिश्यू है जिसपे वेट जो है वो ट्रांसफर होता है इन द सिटिंग पोजीशन। मीडियल मार्जिन पे हमारे पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो है वो अटैच होगा। लेटरल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ईस्टियोफेमोरल लिगामेंट जस्ट बिलो द एसीटेबुला। अच्छा जी, अब हम पेल्विक सर्फेस की बात करें तो पेल्विक सर्फेस का जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस को ओरिजिनेशन प्रोवाइड कर रहा है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो वॉल बना रहा है, लेटरल वॉल ऑफ द ईस्टियो एनल फोसा। इंटीरियर बॉर्डर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है टू द अटैचमेंट, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। और हमारे पास ईस्टियम के ईस्टियो पिबिक रमाई की बात करें तो हमारे पास दो बॉर्डर्स थे और दो सर्फेसिस थी। अपर बॉर्डर जो है वो किसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, टू द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि हमारे पास लोअर बॉर्डर जो है वो हमारे पास किसको प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट टू द फेशियल अटा और टू द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, या फिर इसको हम कुलियस फेशिया ऑफ द पेरिनियम भी बोलते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे बाकायदा बताना है ये कुलियस फेशिया ऑफ द पेरिनियम क्या है और इसका क्या फंक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है जो आपकी आउटर सर्फेस से जो है मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं वो कौन सा है, आपका ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल जो कि बिल्कुल ऑब्टूरेटर ये मार्जिन के बिल्कुल नीचे होगा। ठीक है, और दोनों रमाई से पे होगा, जबकि हमारे पास प्यूबिक रेमस पे निकलने वाला जो मसल होगा वो एडक्टर ब्रेविस है और प्यूबिस रेमस से ग्रेसिलस भी है, ग्रेसिलस मसल ये वाला प्यूबिक रेमस से निकल रहा है। उसके बाद हमारे पास ये ईस्टियल रेमस से निकलने वाला मसल जो है वो कौन सा है, एडक्टर मैग्नस। इनर सरफेस के अगर हम अटैचमेंट देखें तो वहाँ पे हमारे पास दो रिजिस थी, दो फेंट रिजिस के थ्रू जो है वो हमारे पास तीन एरियाज आए हुए थे। जो अपर रिज है वो प्रोवाइड कर रही है अटैचमेंट टू द सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, लोअर रिज जो है वो प्रोवाइड कर रही है अटैचमेंट टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन, अपर एरिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अटैचमेंट या ओरिजिनेशन ऑफ द ऑब्टूरेटर इंटरनस, मिडल एरिया जो है वो ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल और स्फिंक्स्टर यूरिथ्रा, और जबकि लोअर एरिया जो है वो क्रस पेनिस और ईस्टियो कैवर्नस लिगामेंट और सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल। ये हमारे पास कुछ डायग्राम थी, ये हमारे पास ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी की डायग्राम थी कि हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्स रिज है जो कि अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर रही है। अपर को हम फिर एक ओब्लीक रिज के थ्रू सुपीरियो लेटरल और इन्फीरियो मीडियल में करते हैं। सुपीरियो लेटरल से हमारे पास निकलने वाला मसल जो है वो सेमी मेम्ब्रोनसस मसल है और इससे ये इन्फीरियो मीडियल से निकलने वाला मसल जो है वो कौन से हैं, दो सेमी टेंडिनोसस और लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस। फिर हमने कहा कि हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल रिज के थ्रू आउटर और इनर एरिया में जो है वो डिवाइड होता है। आउटर से हमने कहा कि हमारे पास ईस्टियल हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल आ रहा है और पोस्टीरियर जो है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस टिश्यू जो है वो है जिसपे हमारे पास वेट जो होता है वो ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द सिटिंग पोजिशन। ये हमारे पास नर्व का रिलेशन था कि किस तरह से जो है वो आपका सॉफ्ट टिश्यू जो है ये इस तरह से गुजर रहा है ऑब्टूरेटर इंटरनस के बीच में से और ऊपर वाले स्ट्रक्चर के बीच में से। अच्छा जी, ये थे हमारे लिगामेंट्स। हमने क्या कहा था कि हमारे पास क्या है, ये कौन सा लिगामेंट, एंटीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट
और इसी के पीछे जो होगा वो पोस्टीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट। ये जो है वो हमारे पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो आपको पीछे से नजर आ रहा है ये कौन सा होगा, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट ठीक हो गया। इंट्रोशियस सैक्रोइलिक लिगामेंट के लिगामेंट्स जो है वो हमने कल के लेक्चर में भी देखे थे, ये वही वाली डायग्राम्स हैं। पोस्टीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट ये वाला है, और ये हमारे पास सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट है। आज का बहुत मुश्किल नाम थे और उसको एब्जॉर्ब करना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि सारे मुश्किल और नए नए नाम थे। इस वजह से मैंने सिर्फ इस्ट्रीम को ही आज जो है वो चूज़ किया, लिहाजा आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आप लोगों ने खुद भी जो है ना वो मुझे भी बताना है, और ख़ुद भी सर्च करना है कि किस तरह से सारा आपने पढ़ना है। पढ़ने के लिए मैंने आपको फिर बताया कि मुझे जो है वो नेट से कोई इतने ख़ास इमेजेस नहीं मिले। जब आप पढ़ोगे ना तो आपने अपनी स्नेल और बीडी को जो है वो सामने रख के उसके ऊपर जो डायग्राम्स बनी हुई हैं मसल्स की, और पर्टिकुलरली मसल वाले पोर्शन की, वो वहाँ से आप लोगों ने देख के जो है ना वो करनी है, ठीक हो गया। थैंक यू जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।